ओबीसी वर्ग के कितने लोग हैं? यहां पे हजारों लोग हैं, आप जवाब नहीं दे पाओगे। चलो पूछता हूं, हिंदुस्तान में ओबीसी वर्ग के लोग कितने हैं, कोई बता सकता है? देखिए सन्नाटा छा गया, कोई नहीं जानता। मोदी जी 24 घंटा ओबीसी 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 करते रहते हैं, मगर इस देश को यह नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, और आदिवासी के अंदर दलित के अंदर अलग अलग कितनी जाती हैं और उनकी आबादी कितनी है। अब आप पूछोगे भैया इसकी क्या जरूरत है, बीजेपी के लोग कहते हैं भैया क्या जरूरत है, देश को क्यों पता लगे ओबीसी कितने हैं? मैं आपको बताता हूं, अगर हम भागीदारी की बात करते हैं, अगर हम देश की हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि अलग अलग जातों में कितने लोग हैं। मैं उदाहरण देता हूं आपको, हिंदुस्तान की सरकार को एमपी नहीं चलाते। लोग सोचते हैं कि भाई लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, मगर जो सच्चाई जानता है वो आपको एक मिनट में कह देगा कि हिंदुस्तान की सरकार को 90 आईएएस के ऑफिसर्स चलाते हैं। आप सिर हिला रहे हैं, सही बोला ना मैंने, मतलब 90 लोग हैं जो इस देश की सरकार को चलाते हैं, उनको हम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। सबसे बड़ा अफसर होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, और उसके नीचे 90 अफसर होते हैं सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये लोग हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? मनरेगा में कितना पैसा जाता है ये निर्णय लेते हैं, मनरेगा कैसे बनेगा, मजदूरों को कैसे पैसा दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर को कैसा पैसा दिया जाएगा, सड़क कहां बनेगी, कैसे बनेगी, अंत में ये लोग निर्णय लेते हैं। तो सवाल ये है, अगर सचमुच में ओबीसी की भागीदारी है या दलितों की भागीदारी है या आदिवासियों की भागीदारी है, तो इन अफसरों में भी ओबीसी की, दलितों की, आदिवासी अफसर होंगे, होने चाहिए। और कम से कम अगर देश में मान लो 50% ओबीसी हैं, तो 90 में से 50% ओबीसी होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं हां भैया ओबीसी की भागीदारी है। और 90 में से मान लो दलितों की 15% आबादी है, तो 15% दलित होने चाहिए, और मान लो हिंदुस्तान में 15% आदिवासी हैं, तो 15% उसमें आदिवासी होनी चाहिए, तो फिर हम कह सकते हैं हां भैया आदिवासी भी शामिल हैं, दलित भी शामिल हैं, ओबीसी भी शामिल हैं। और जब हिंदुस्तान का बजट बांटा जाता है, लाखों करोड़ रुपए बांटे जाते हैं, तो उसमें ओबीसी की भी आवाज है, दलित की भी आवाज है, आदिवासी की भी आवाज है, जनरल की भी आवाज है। अब सच्चाई सुनिए, 90 अफसर हैं, 90 में से 3 अफसर ओबीसी से आते हैं। आदिवासियों की बात करते हैं, 90 में से 3 आदिवासी हैं, 3 ओबीसी हैं, और मजा वहां नहीं बंद खत्म होता। अगला सवाल यह है कि ठीक है, ये जो ओबीसी अफसर हैं, ये जो 3 हैं, ये बजट
में कितने पैसे का निर्णय लेते हैं। यहां जो ओबीसी युवा हैं आप हिल जाओगे, आपको गुस्सा आएगा। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के बजट में ओबीसी अफसर सिर्फ 5% निर्णय लेते हैं। क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? कम से कम 50% है। तो ओबीसी युवाओं को नरेंद्र मोदी से यह सवाल पूछना चाहिए, हमारी आबादी 50%, आप 24 घंटे कहते हो ओबीसी सरकार ओबीसी सरकार ओबीसी सरकार, और हमारा हक 5%, ये किसका बेवकूफ बना रहे हो आप? यह सवाल हिंदुस्तान के हर ओबीसी युवा को नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए। चलिए अब आदिवासियों की बात करते हैं, यहां आदिवासी हैं। भाइयों और बहनों, ओबीसी 5% निर्णय लेते हैं, आदिवासी कितना लेते हैं? आदिवासी युवा आप अच्छी तरह सुनो, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो हिंदुस्तान के आदिवासी अफसर 100 में से 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। ओबीसी 5% और आदिवासी 0.1% निर्णय लेते हैं। और सुनना है तो दलित 1% निर्णय लेते हैं। इसीलिए जाति जनगणना की जरूरत है। हम जानना चाहते हैं कि इस देश में ओबीसी 5% निर्णय ले रहे हैं, उनकी आबादी क्या 5% है या 50%? और अगर 50% है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो हो रहा है वो सरासर अन्याय है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपनी मीटिंग में कह रही है, मैं कह रहा हूं, बघेल जी कह रहे हैं, खारगे जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो जनगणना की थी, जाति जनगणना की थी, आंकड़े आपके पास हैं मोदी जी, उनको आप पब्लिक कर दीजिए। देश के आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को आप बता दीजिए उनकी आबादी कितनी है। डरने की क्या जरूरत है? नरेंद्र मोदी जी यहां आते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं, कहते हैं मैं ओबीसी हूं, मगर ये नहीं कह सकते कि भैया मैं भैया जाति जनगणना होनी चाहिए, तो जो वो अदानी जी के जेब में डाल रहे हैं वो नहीं डाल पाएंगे। तो हमने तो निर्णय ले लिया है, जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी हम उसी दिन जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। और यहां पे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आएगी तो जाति का सेंसस उसी दिन छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाएगा। कर्नाटक में शुरू हो गया है, राजस्थान में शुरू हो गया है, यहां पे भी हम काम शुरू कर देंगे। यह मैं आपसे कहना चाहता था। और जाति जनगणना के बाद पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का एक नया चैप्टर लिखा जाएगा, उनकी प्रगति के लिए, उनके विकास के लिए ऐतिहासिक काम शुरू हो पाएगा। आप सब यहां आए इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अच्छा, बघेल जी ने कहा कि आपके जो स्वास्थ्य में जो आपको इंश्योरेंस मिलता है 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मिलता है, उसको हम 10 लाख रुपए का करने जा रहे हैं। धन्यवाद।